BS6 नॉर्म्स के इम्प्लीमेंटेशन की तारीख नजदीक आने के साथ भारतीय टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स में अपने एग्जिस्टिंग मॉडल्स को BS6 में अपडेट करने की होड़ मची हुई है। इसीलिए हम रोज नई नई मोटरसाइकिल्स और स्कूटीज की रोड टेस्टिंग की खबर सुन रहे हैं। आज के वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं रोड टेस्टिंग के दौरान स्पाई हुई ऐसी ही हीरो मोटोकॉर्प की एक मोटरसाइकिल ग्लैमर BS6 के बारे में। भारत में सेल्स के मामले में ग्लैमर हीरो मोटोकॉर्प की तीसरे नंबर की बाइक है। पहले और दूसरे पायदान पर स्प्लेंडर और HF डीलक्स ने कब्जा जमा रखा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हीरो ने ऑलरेडी स्प्लेंडर स्मार्ट i3S का BS6 मॉडल लॉन्च कर दिया है और अपने काफी सारे BS4 मॉडल्स का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। ग्लैमर एक इकोनोम्यूटर सेगमेंट की बाइक है। ये सेगमेंट कम्यूटर सेगमेंट का ही इकोनॉमिक वर्जन है। करेंट जनरेशन ग्लैमर आती है 3 वेरिएंट्स में, ग्लैमर, न्यू ग्लैमर और ग्लैमर प्रोग्राम्ड FI। उम्मीद है आने वाली ग्लैमर का इंजन करंट जनरेशन ग्लैमर का सिंगल सिलेंडर 124.7 सीसी का फ्यूल इंजेक्टेड BS6 वर्जन हो सकता है। अभी ये इंजन 11.5 BHP की पावर और 11 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और ये आता है एक 4 स्पीड ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के साथ। स्पाई शॉट से पता चलता है कि हीरो ने आने वाली ग्लैमर की डिजाइन में काफी चेंजेस किए हैं। फ्रंट की तरफ से आपको इसमें मिल सकता है रीडिजाइन हेडलैम्प काउल और LED DRL के साथ हेलोजन हेडलाइट। इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल को भी पूरी तरह डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आपको आने वाली बाइक में करंट जनरेशन ग्लैमर के रियर स्प्लिट ग्रैब और रियर हगर देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको दिखेगा एक सिंगल पीस ग्रैब। इसमें आपको मिलेगी अपडेटेड LED टेल लाइट। सस्पेंशन की बात करें तो आगे इसमें आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क मिलेगा और पीछे मिलेंगे ट्विन रियर शॉकर्स। ब्रेकिंग सिस्टम की तरफ चलें तो इसमें आपको दो वेरिएंट्स मिलेंगे, एक बेस मॉडल दोनों पहियों में ड्रम ब्रेक्स के साथ और दूसरा प्रीमियम मॉडल डिस्क प्लस ड्रम ब्रेक के साथ। ये दोनों मॉडल आएंगे इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें डिस्क का साइज होगा 240 mm का और ड्रम ब्रेक होगा 130 mm का। इसका ग्राउंड क्लियरेंस होगा 159 mm का और इसका वजन हो सकता है 125 kg के आसपास। इसमें आप 10 लीटर पेट्रोल भर सकते हैं जिसमें से 1.5 लीटर का रिजर्व रहेगा। आप ग्लैमर का BS6 वर्जन खरीद पाएंगे 2020 के शुरुआत में और इसे खरीदने के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे एक शोरूम कीमत 73,000 से 74,000 भारतीय रुपयों के बीच में। लॉन्च होने के बाद टक्कर देगी होंडा की 125 cc BS6 बाइक होंडा SP125 को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल राइटर्स को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।